हाथ से सर पैंट से दबा के सही करता है। रामदेव बाबा का योगा देखे हो, कौन कौन योगा देखे राम देखे है ना, देखना वो कहता है कि एक पैंट से दबाओ तब क्या सर सही होगा, इसको दबाओ तुम्हारा डायबिटीज सही होगा, Гордость сейчас рассказывает о том, что если мы будем там хлопать в ладоши, во-первых, это очень полезно, там все там, какие-то нервные окончания, это очень полезно для здоровья, но на самом деле, когда вы хлопаете в ладоши во время киртана, линии на ваших руках меняются. Итак, горло будет хорошо. Будем хлопать в ладоши. Итак, смотрите. और संतों से लो किया अच्छी चीज, अच्छी चीज बोले गंदी चीज किया, बोले चार चीज गंदी, बच्चों ध्यान देकर सुनो, चार चीज गंदी चीज क्या आग देनी चाहिए, बोले क्या पहला नंबर जुआ, ठीक है ना, बोले आईपीएल आ रहा है ना, बोले तेरा जुआ है, अब बताओ करोड़ों करोड़ों रुपया करोड़ों मेरे पास कोई आए तो बोले बाबा जिंदगी भर मैंने जो पैसा खर्च जिंदगी भर इकट्ठा किया था ना मेरा बेटा तो 5 मिनट में सारे पैसा खत्म हो गया। देखो नहीं ये सही, मैं सही बात बता रहा हूँ, हमारे पास में सब लोग तू की बात करते हैं, देखो बाबा मैंने जिंदगी भर जो पैसा को मैंने इकट्ठा किया था मेरे बेटा 5 मिनट को खत्म कर दिया, मैंने कहा भैया कैसे, बोले 6 रैंक रह गया, केवल 6 रैंक, अभी कौन जीतेगा उसमें, उसने लगा दिया करोड़ लगा दिया, और वो सोच रहा था जीतेगा जीतेगा, हार गया जिंदगी भर मैंने जो पैसा कमाई सारे पैसा दिया, हरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हमें देखना पड़ा और 13 साल जंगल में रह गया, मतलब अगर कोई जुआ खेलेगा ना उसको कितने दुर्गति हो सकती है, ठीक है ना, जुआ कुआ खेलना नहीं, भगवान जितने दिए उतने में खुश रहो, ये मत समझो राता रात करोड़पति बन जाएगा, रोडपति बना देंगे, करोड़पति से रोडपति बन सकता हूँ, जुआ से सारे करो अपना घर गृहस्थी करो, लेकिन अपना पत्नी को साथ नहीं, ऐसे नहीं बगल शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घूम रहे घर का, नहीं शास्त्र हमारी ये चीज को मना कर दिया, शास्त्र ने मना कर दिया कि सब चीज को नहीं करनी चाहिए, पर है जीव हिंसा, बोले जीव हिंसा मतलब जब गांधार की 100 बेटे मारा गए एक बेटा मर जाता है ना, माँ छाती पीट पीट करके मर जाती है, कितने कष्ट होता है एक बेटा मरने में, और जिसकी 100 के 100 बेटे मरे, रे बात क्यों कर रहे हो, ये बहुत छटपट करती है, चुपचाप नहीं बैठ सकती, इसलिए कहते जब उनको 100 के बोले हमने ऐसे कौन सा पाप किया है जो कि हमारे 100 बेटे का मृत्यु देखना पड़ा, भगवान कृष्ण को पूर्व जन्म की कथा बता सुना है, बोले पूर्व जन्म में तू एक क्षत्रिय था, एक समय जंगल में तुमने मृगया करने की, इतनी तेजी भूख लग रहा था, इतने तेजी तेरे को भूख लग रहा था, अभी खाने के लिए कुछ नहीं, एक पेड़ को नीचे तो बैठ गया, आज इतने में देखा उसे पेड़ के ऊपर में चिड़िया के घुसने के अंडे से एक बच्चा होता, तुमने 100 अंडे को खाया, भगवान बोलते हैं और एक एक अंडा में एक बच्चा है, तुमने 100 अंडा नहीं खाया, 100 बच्चों को तुमने खाया, इसलिए इसी जीवन में तुमको 100 बेटे का मृत्यु देखना पड़ा, देखो जब जीवन में कोई कर्म करते ना हम सोचते नहीं, लेकिन जब दुख आए ना मिल मिला से हमारे साथ में इसे क्यों कर दिया भैया, ठाकुर के भी हो गए आप पहले आए, इसलिए जैसे करनी वैसे धरनी, इसलिए कर्म करने से पहले सोच करके कर्म करो, ऐसे नहीं अपना बड्डी बनाने के लिए जी जीव को हिंसा करके अपना बड्डी बना रहे हो, नहीं जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है, हम जिसको दुख अंग्रेज पढ़ेगी नहीं, मी की मीट है ना, मी मतलब एक मतलब खाना, उसको बदला तो क्या होता है
जब जिसको तुम अभी खा रहे हो तेरे को बाद में जो दो बार खाएगा, किसी किसी तुम भाषा में देख लो, कोई भी भाषा में उसको उच्चारण करके देख लो, वो एक ही मतलब बाद में तेरे। हम कहते हैं सुख माना तो सुख दो, और दुख दोगे तो क्या मिलेगा? जब एक जानवर को काटते ना मारते हैं, वो जो हा भरता है, हा भरता समझते हो, जो वो दुख भोग करता है, वो दुख किसको भर जाएगा? जो खाएगा। इसलिए एक संत कहते थे, अगर जो व्यक्ति जानवर काट कर खाता है और जीवन में सुख चाहता है, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया बल्कि तू दूसरे को दुख देकर सुख कैसे चाहता है? ऋषि लोग गैया पालते थे, वो माता है वो माँ, उनका एक ही रोग में एक ही देवता। गैया अगर कोई बूढ़ी हो जाती थी उसको मरने नहीं देते थे ऋषि लोग, यज्ञ करते थे, यज्ञ में उसको बलिदान देते थे और उसे आहुति जब डालते थे, ऋषियों के पास भी इतने मंत्र शक्ति होती थी, वो मंत्र पढ़ करके गैया को दो बार जवान करते थे। किसी गैया को उन्होंने बलिदान दिया, हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी खाने की इच्छा होती है। तुम्हारे घर में एक पीढ़ी पहले देखते तुम्हारे घर में नहीं आता, किसी हिंदू घर में नहीं आता, तुम तो गुजर हो। ये तो बड़े गुजर मतलब को गुजर गोपों को बताया, गुजरी गोपियों को बताया, कृष्ण के परिवार ये कृष्ण परिवार है, तुम लोग सब जादव है ना, कि जादव है कृष्ण, जब वही कृष्ण जब जाते हैं द्वारका में वो जादव बन जाते हैं, वही जब वृंदावन में रहते हैं गुजर है ना, गुजरिया खोल खिवरिया, उसके बाद फिर मछली ला फिर मांस ला, धीरे धीरे ये आदत बिगड़ती जाती है, ये आदत बचती नहीं, धीरे धीरे आदत बिगड़ती जाती है। इसलिए और अगर प्याज लहसुन लगाओगे ना उसमें फिर ठाकुर को भूख नहीं लगता है, वो चीज ठाकुर को भूख नहीं लगता है। इसलिए पिकनिक प्लेस कोई कोई कहते हैं क्या क्या बोलते हैं, कल भैया प्याज नहीं आती, बिगाड़ दिया अपना आदत। अब कुछ दिन बाद हम लोग नहीं खाते, यहाँ कटेगा तो हम बैठ नहीं सकते, हम सर चकराने लग जाती है, क्यों? उसका जो इतने रूप में बदबू, लेकिन उस बदबू को हमने सुगंध मान लिया, स्वाद मान लिया, उस दिन मत खाया करो। देखो तुम्हारे घर में रोज प्याज लहसुन बनता है, कोई कोई तिथि आ गई, बढ़िया तिथि कोई आ गई, जिस दिन घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है देखना, उसी दिन रोज रोज जो प्याज लहसुन खाते हैं उसी दिन देखना उसमें अलग स्वाद आए। जीवन में भोगा सोच भी नहीं सकते, क्यों? ठाकुर को बिना दिए खाए। इसलिए हम जो चीज खरीदी करते हैं पैसा से, किससे खरीदी करते हैं? पैसा, लक्ष्मी लक्ष्मी ठाकुर जी की, जब घर में हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, वो जब ठाकुर जी को भोग लग जाएगा ना, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, ठाकुर जी खुश हो जाते, वो माल आएगी तुम्हारे घर में। लेकिन अगर वो लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, लक्ष्मी धीरे धीरे पैसा कम कर देगी, क्यों? बीमारी की उसमें मेरे को पास में गया, बोले तुलसी जूस को पिया करो, उससे मेरा कैंसर सही। तो जो तुलसी पत्ता जो खाएगा ना, जिससे कोई कैंसर नहीं, कभी नहीं होगी कैंसर, कभी नहीं होगी, इतने गले में तुलसी के डिजाइन थे, जब पानी डालोगे इसका टच करते हुए सारा शरीर में पानी जाएगा, हैं? कहते शरीर का सारे बीमारी निकाल देती है, कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है। इसलिए जब महाराज और जब दूत को कहते हैं, बोले देखो ब्रह्मा है, और जो बीच में जो देख रहे हो बोले भगवान विष्णु है, और इधर जो देख रहे ब्रह्मा विष्णु।